मेरे साथ हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख संजीव त्रिपाठी। संजीव जी, एक तरफ तो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से आतंकी जो है इस तरह का हमला पहली बार नहीं हुआ, जो उरी में सेना के साथ जो सेना के कैंप पर जो है हमला किया गया जिसमें 9 जवान जो है शहीद हुए, पहले भी इस तरह की ये कहा जाए कि आतंकी वारदात पाकिस्तान की तरफ से की जाती रही और उसके बाद बातचीत हुई, क्या ऐसे माहौल में इस तरह के वातावरण में पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है, पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए? देखिए, अभी तो इस तरह का माहौल नहीं है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत हो सके जी। बातचीत के लिए पहली चीज़ तो ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट स्ट्राइक्स यहाँ पर हो रही हैं जी, उसका बंद होना होगा। कम से कम हमें ये तो, भारत को ये तो लगे कि पाकिस्तान इन्हें रोकने के लिए जी सक्रिय कार्यवाही कर रहा है, क्योंकि एक तरफ आप टेररिस्ट स्ट्राइक करवाते जाएं और दूसरी तरफ आप बातचीत करना चाहें, ये संभव नहीं लगता जी। तो बातचीत करना दोनों देश के हित के लिए है। कभी किसी भी समस्या का अंततः समाधान बातचीत के ही द्वारा होता है जी। तो बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन बातचीत और आतंकवाद एक साथ चल पाएगा? यही मैं कह रहा हूं। देखिए, कम से कम हमें ये तो लगे कि पाकिस्तान कोई इफेक्टिव एक्शन ले रहा है इस आतंकवाद को रोकने के लिए जो भारत के खिलाफ हो रहा है। ये जब तक हम उस बारे में कन्विंस नहीं हो जाते, बातचीत का आगे बढ़ना है, बातचीत को शुरू करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी मैं कहूँगा, उसके बाद भी कुछ ऐसा माहौल दोनों देशों में है कि मेरे समझ से तो एनी ओवर इंगेजमेंट विद पाकिस्तान इज़ ए नॉन स्टार्टर। बातचीत शुरू भी नहीं हो पाती है, दोनों देश में उस बातचीत के खिलाफ एक माहौल पैदा होना शुरू हो जाता है। तो पहली तो ये स्थिति होनी चाहिए कि बातचीत का को थोड़ा बहुत माहौल बने, ये आतंकवाद में कुछ रुकावट आए। और दूसरा मेरे हिसाब से कि बेहतर ये होगा कि दोनों देश कोवर्ट इंगेजमेंट के बारे में भी की संभावना पे भी विचार करें। आप कह रहे हैं कोवर्ट इंगेजमेंट से क्या मतलब है आपका? मतलब कि दोनों देश के प्रतिनिधि, प्राइम मिनिस्टर्स के प्रतिनिधि सीक्रेटली एक दूसरे से मिलें, इसके बारे में डिनाइबिलिटी हो, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, और जब को भी कुछ समाधान पे कुछ प्रगति हो जाए उसके बाद ही उस समस्या के बारे में ओपनली बातचीत की जी। आपने स्टेप्स की बात की, पाकिस्तान को इफेक्टिव स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या इफेक्टिव स्टेप्स पाकिस्तान को उठाने चाहिए जिससे कि इस तरह का माहौल बने बातचीत के लिए? देखिए, ये तो बड़ा साफ है, अभी तो जो LET, HM, JEM के लीडर्स हैं वहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, भारत के अगेंस्ट विश उड़ेल रहे हैं, मैं कहूँ उनको, उनकी कार्रवाई को रुकना पड़ेगा, उनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको बंद करना पड़ेगा तो, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एक्शन लेना पड़ेगा उनको। जब तक वो ये कार्रवाई नहीं करते, जब तक तो हमें कैसे लगेगा कि वो अपने इसमें उनसे बातचीत से कोई लाभ होगा जी। आपको लगता है कि पाकिस्तान पर जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान इन पर कार्रवाई करेगा, इन तंजीमों पर, इन आतंकी संगठनों पर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अल्टीमेटली किसी देश पे भी बहुत दबाव डाल के कोई काम कराना थोड़ा मुश्किल होता है, जब तक कि उस देश को ये समझ में ना आए कि ये कार्रवाई करना उसके अपने हित में है। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के ही के हित में है ये कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि जो टेररिस्ट एक्शन यहाँ भारत में हो रहे हैं उनका लाभ पाकिस्तान में बैठे अन्य टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हो रहा है। तो अपने हित के लिए पाकिस्तान को इन ग्रुप्स के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। दूसरा सर, बार बार जो है पाकिस्तान एक ही बात कहता है कि जब तक कश्मीर समस्या का हल नहीं निकलता है तब तक इस तरह के जो संगठन है वो इस तरह का हमला और इस तरह की कार्रवाई जो है वो करते रहेंगे जब तक कश्मीर समस्या और उस का समाधान नहीं निकलता। देखिए, इस तरह की कार्रवाई से तो कश्मीर का हल कभी नहीं निकलेगा जी। कश्मीर का जो भी समस्या है उसके हल तो बातचीत द्वारा ही निकल सकता है, और बातचीत के लिए आपको उसका माहौल पैदा बनाना पड़ेगा। और कश्मीर समस्या का आपने जिक्र किया तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगा। कश्मीर समस्या को समझने के लिए हमें जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा,
पहला जो 1947 में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसके अनुसार जो अर्स्टवाइल प्रिंसिपली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था वो भारत का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था। दूसरा डॉक्यूमेंट है 1948 का यूएन रेजोल्यूशन, जिसके बारे में पाकिस्तान बहुत बोलता रहता है बिना उसको एक्सप्लेन किए कि उसमें वास्तविकता क्या है। देखिए, जो यूएन रेजोल्यूशन रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का 1948 का, ये एक सीक्वेंशियल एंड कंडीशनल इसमें स्टेप्स लेने थे, क्रमबद्ध तरीके से जो और अनिवार्य स्टेप लेने थे। पहला स्टेप इसमें जो कहा गया था कि जो पाकिस्तान है वो जम्मू एंड कश्मीर से जो अपने रेगुलर और इरेगुलर ट्रूप्स जितने भी घुस आए हैं उसके, उन सबको वहाँ से बाहर हटाएगा अंडर यूएन वेरिफिकेशन। एक बार जब उनका विड्रॉवल कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा स्टेप था कि भारत अपने जो ट्रूप्स की संख्या है वहाँ पर उसको कुछ कम करेगा, केवल इतने ही ट्रूप्स वहाँ रखेगा जो कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहाँ गवर्नेंस के लिए एसेंशियल हों। जब ये दूसरा स्टेप हो जाता है तब तीसरा स्टेप लेना था, जबकि यूएन के सुपरविजन में प्लेबिसाइट कराना था, जिसमें कि जनता को डिसाइड करना था कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है या भारत के साथ आना चाहती है। अब इसमें पाकिस्तान ने पहला स्टेप लेने से ही मना कर दिया, उसने अपने ट्रूप्स वहाँ से विड्रॉ नहीं किए, तो पाकिस्तान जो कि मैंडेटरी एक्शन था, तो पाकिस्तान के इस एक्शन से यूएन रेजोल्यूशन तो इररिलेवेंट हो गया जी। तो ये पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है यूएन रेजोल्यूशन को इररिलेवेंट करने के लिए, और अब हमें तो यूएन रेजोल्यूशन के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहिए जी। तीसरा मैं कहूँगा शिमला एग्रीमेंट के बारे में, जो 1972 में भारत और पाकिस्तान के शिमला एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी समस्याएँ हैं उनका हल हम आपसी बातचीत से करेंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान जो है ये कश्मीर का राग हर इंटरनेशनल फोरम पे अलापता रहता है, तो अगर वो इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर को के बारे में गान करता रहेगा तो फिर हम उसके क्यों उसके बारे में उससे बातचीत करें। अगर उसको कश्मीर को वहाँ छोड़ के हमसे सीधी बातचीत करनी चाहिए तो बातचीत का माहौल बनेगा। और हम अपनी कमज़ोरी कहेंगे, 1948 जब यूनियन रेजोल्यूशन ये तय हो गया कि इरेलीवेंट हो गया है बिकॉज पाकिस्तान जो है पहला स्टेप नहीं ले रहा था, तभी से हमको पीओके के बारे में जो पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे में है और ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए था, और लगातार पाकिस्तान पर प्रेशर डालना चाहिए था कि उस इलाके को वैकेट करे, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। चौथा डॉक्यूमेंट जो है 1994 का पार्लियामेंट का इंडिया का रेजोल्यूशन है, जिसमें भारत ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भी इंक्लूडेड है, भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत को उससे पाकिस्तान को से वापस लेने के लिए सारी उचित कार्यवाही करनी चाहिए। तो इन सब के रहते हुए भी अगर हम इतने साल शांत रहे हैं, वो मैं तो कहूँगा ये हमारी कमज़ोरी थी, इसका फ़ायदा पाकिस्तान हुआ है, इसका हमें नुकसान हुआ है, उसका नुकसान हुआ है। एक तो पाकिस्तान ने अपना होल्ड वहाँ कंसोलिडेट किया, और साथ साथ हमारे कब्जे में था वहाँ उसने टेररिज्म फैलाया, दे आर एडिंग एबिटिंग एंड स्पॉन्सरिंग ऑल टेररिज्म इन आवर पार्ट ऑफ कश्मीर। तो इसलिए अब कम से कम हमारी सरकार ने बड़े स्पष्ट रूप में कह दिया है कि ये हम भारत का नहीं, और हमें इसमें मोर प्रोएक्टिव होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा जो कश्मीर पे पीओके पे स्टैंड है उसको दुनिया के मित्र देशों को बताने के लिए हमें बिल्कुल हेसिटेट नहीं करना चाहिए, हमें वास्तविकता बताना चाहिए, और जो पाकिस्तान अब तक झूठी बात कहता रहा उसको पूरी तरह एक्सपोज करना चाहिए। इस बार जिस तरह से बलूचिस्तान की अगर बात करें, बलूचिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और एक तरह से कहा कि बलूचिस्तान की जो समस्या है उसका हल निकाला जाना चाहिए, इसके ऊपर भी पाकिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, इस पर भारत का दखल नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत हमेशा से किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामले में दखल देने के खिलाफ रहा है जी, लेकिन एक पेशेंस की भी एक हद होती है। पाकिस्तान लगातार भारत के अंदरूनी मामले में दखल देता आ रहा है, कश्मीर के बारे में वो इंटरनेशनल फोरा पे भारत का जो अंदरूनी मामला दुनिया भर में सब उठाता आ रहा है। तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ऐसे देश का जवाब देने के लिए अगर आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम भी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। तो आई थिंक जो भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बलूचिस्तान का
सवाल उठाया है, बहुत बहुत स्टैंड लिया, बहुत सही स्टैंड है, बहुत समय समय रहते हुए, क्योंकि अब पेशेंस की हद होती है जी। ऐसा तो हम नहीं अलाउ कर सकते कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता जाए और हम चुपचाप बैठे रहें जी। तो ये तो टिट फॉर टैट तो उनको करना ही होता है, ये आवश्यक है। जिसे तो जिस तरह से आईएसआई की ये कहा जाए कि एक बड़ी समस्या विश्व भर में है, क्या भारत को भी इससे खतरा है? देखिए आईएसआई जो है इस्लामिक स्टेट, इसको एक संगठन है, लेकिन इसको संगठन से अधिक एक आइडियोलॉजी के रूप में हमें देखना चाहिए। बहुत से देशों से, बहुत से जो हमारे मुस्लिम यूथ हैं वो इसके आइडियोलॉजी के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं जी। इसके साथ लड़ने के लिए वो लोग इराक और सीरिया भी गए हैं। भारत की आप बात करें, भारत से भी गए हैं, विश्व के अन्य हिस्सों से भी गए हैं, भारत से बहुत कम संख्या में लोग गए हैं जी। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी है जी, इसका किस तरह विस्तार हो रहा है, भारत में भी हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको हमें कितनी संख्या में लोग वहाँ गए हैं इससे नहीं नापना चाहिए जी। आईसिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये तो कुछ समय की बाद मिलिटरली तो इसको, क्योंकि वेस्ट पूरा इसके खिलाफ लड़ रहा है, कुछ समय बाद इसको मिलिटरली तो अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे इसमें, लेकिन इस आइडियोलॉजी को भी, इसके आइडियोलॉजी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ना जी, ये अत्यंत आवश्यक है। इस लड़ाई को तो इस्लामिक कम्युनिटी में ही लड़ा जाएगा, बाहर वाले तो हम लोग इनको जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं उनको इनकरेज बस कर सकते हैं, सरकार उनको सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इज इट अ सीरियस थ्रेट फॉर इंडिया? देखिए थ्रेट तो है ही, क्योंकि हमारे चारों ओर जैसा माहौल बना हुआ है उसका यहाँ असर पड़ेगा। पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन शुरू में तो स्टेट ने ही इनकरेज किया था, रेडिकलाइजेशन हो रहा है जी। आपने देखा बांग्लादेश में भी रेडिकलाइज ग्रुप्स आ गए हैं, मालदीव्स भी ऐसी जगह है जहां काफ़ी हद तक रेडिकलाइजेशन हुआ, और मालदीव से तो एक बड़ी संख्या में जो मुस्लिम्स हैं छोटी सी कंट्री से भी वो आईसिस के साथ लड़ने के लिए बाहर गए जी। तो इस आइडियोलॉजी के प्रति, विस्तार के प्रति हमें सचेत तो रहना ही पड़ेगा, और उसके लिए अच्छा देखिए आप जो वर्चुअल वर्ल्ड में जो जिहादी साइट्स हैं इसमें पूरा जो जिहादी प्रोपोगेंडा है वो लोग रिलीजियस बुक्स को, हदीत को, शरियत को, कुरान को कोट करते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए। तो जो उनका जो आर्गुमेंट्स हैं इसको जो है, जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कि इस्लाम को रिलीजन ऑफ पीस मानते हैं, उसको काउंटर करना पड़ेगा। क्या कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए, भारतीय एजेंसियों को उठाना चाहिए? देखिए इसमें तो केवल एक इंटरनल डिबेट जो मुस्लिम्स हैं उसको इनकरेज करना पड़ेगा कि इस्लाम स्टैंड्स फॉर व्हाट, और वही लोग तय करेंगे इसको बाहर। और जो इस तरह के जो लोग प्रोग्रेसिव हैं, जो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन लेते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाए, उनको इनकरेज किया जाए। तो बस सरकार तो यही कदम उठा सकती है, बिकॉज एनी ओपन इंटरफेरेंस बाई गवर्नमेंट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव। क्या हमारा जो खुफिया तंत्र है वो इतना मजबूत है कि हमारे पास पुख्ता जानकारी, स्पेसिफिक इनपुट्स आते हैं इन हमलों के बारे में, इन हमलों, ये जो प्लान किए जाते हैं, जिस तरह से 26/11 का जो हमला था, अगर स्पेसिफिक इनपुट्स आते हैं तो क्या इनको क्यों रोका नहीं जाता इन हमलों को, जैसे 26/11 हो गया, पठानकोट में हमला हो गया, दीनानगर में हमला हो गया? देखिए जहाँ तक भारत में आतंकवाद का सवाल आता है, पाकिस्तान इन ग्रुप्स पे रोक लगाए या ना लगाए, लेकिन अभी इन नियर फ्यूचर तो हमें इन आतंकवादी हमलों की पूरी संभावना है, होती रहेंगी, इसलिए हमें आंतरिक रूप से पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा इस तरह के आतंकवादियों के जो डिज़ाइंस हैं उनको रोकने के लिए, उनको फॉइल करने जी के लिए। सबसे पहले इसी में सवाल उठता है कि आर वी रेडी फॉर दैट, टू फाइट दैट टेरर अटैक्स? नहीं, हम लोग तैयार हैं, लड़ते रहे हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत और कुछ करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जी। जी हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, और आगे जैसे जैसे नई नई समस्याएं पैदा होती जाएंगी, और आगे भी इसमें हमें कार्यवाही करती रहनी पड़ेगी जी। पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि हमें जो
फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर जो टेररिस्ट आ रहे हैं, पाकिस्तान मान लीजिए इन पर रोक लगाता है, तब भी ये संभावना रहेगी कि उस पार से टेररिस्ट यहाँ लड़ने आए। तो पहले तो हमें अपने बॉर्डर को प्रॉपरली सील करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए एक तो पहला स्टेप तो यही है कि हमारी जो फेंसिंग है उस फेंसिंग को मजबूत किया जाए। दूसरा, इफेक्टिव पेट्रोलिंग की आवश्यकता है। इफेक्टिव पेट्रोलिंग के लिए अगर हमें उनका नंबर ऑफ आवर पर्सनल डिप्लॉयड उनका संख्या बढ़ानी पड़े, क्योंकि हमें संख्या बढ़ाने की भी उस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। और इससे 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 आप कह रहे हैं कि घुसपैठ पे जो है रोकथाम लग सके, घुसपैठ को जितना कम कर सकें जी वो उतना हमें प्रयास करना चाहिए जी। हमें यारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि घुसपैठ कम्प्लीटली बंद हो जी। और हम जैसा मैं कह रहा था, हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और भी जो टेक्निकल एड्स हैं उनका उनकी सहायता से घुसपैठ को बंद करने का पूरा प्रयास करना चाहिए पाकिस्तान की साइड से जी। हो सकता है फिर वो टेररिस्ट ग्रुप श्रीलंका से होते हुए नेपाल सॉरी बांग्लादेश से होते हुए नेपाल से होते हुए आए, लेकिन कम से कम जो पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं उनको रोकने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। ये तो पहला स्टेप हमारा हो जाता है। दूसरा हो जाता है जो हमारा काउंटर टेररिज्म का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करें जी। देखिए उसमें कुछ हो सकता है कि हमें बहुत सी जगह देखा गया है कि जो हमारा कानून है वो अभी टेररिस्ट के खिलाफ इफेक्टिव मेजर्स लेने के लिए काफ़ी शायद नहीं है। उनके खिलाफ सबूत जुटाने में मुश्किल होती है, लोग गवाही देने को तैयार नहीं होते हैं जी। तो हमें अगर आवश्यकता पड़े तो आप कहने सख्त कानून बनना चाहिए, कानून इस तरह का लाएं जिसमें कि टेररिस्ट के खिलाफ इफेक्टिव कार्रवाई हो सके। और लेकिन इस कानून में ऐसा भी प्रावधान और सेफ गार्ड्स होने चाहिए जिससे कि कोई अगर इनोसेंट है तो उसके खिलाफ ये कानून मिसयूज ना हो पाए। सो ए स्ट्रॉन्ग लॉ विद एडिक्वेट सेफ गार्ड्स जी, आई थिंक ऐसे कानून की आवश्यकता है। एक तो ये स्टेप पहला। फिर बार बार ये बात होती है कि एजेंसीज के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस तरह के आतंकी हमले फिदायन हमले के बारे में इनपुट्स और उससे डील करने के लिए। क्या एजेंसीज को और मजबूत और मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है? हाँ आप ठीक कह रहे हैं। देखिए एक देश में एक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाने की आवश्यकता है जी जी। ये जितनी भी टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती हैं उसका रिपोजिटरी रहेगा, सब वहाँ पर आएंगी, उसका एनालिसिस होगी, टास्किंग होगी डिफरेंट एजेंसीज की जी, और जो उस पर एक्शनेबल इंफॉर्मेशन होगी उस पर कार्यवाही की जाएगी जी। देखिए देश में कई एजेंसियां हैं जो कि काउंटर टेररिज्म के कार्य में लगी हुई हैं जी। इनके कोऑर्डिनेशन के लिए इनसे जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके इफेक्टिव उस पर इफेक्टिव कार्यवाही के लिए नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ज़रूरी है, ये मेरा मानना है जी। लेकिन मेरा मानना है कि जो NCTC बने जी ये किसी एक एजेंसी के अधीन में ना हो, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए जो कि सीधे गृह मंत्रालय के अंडर में हो जी। और दूसरी चीज़ इस एजेंसी को कोई पुलिस पावर देने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन आएगी उसको एनालाइज करेंगे और डिफरेंट एजेंसीज को टास्क करेंगे उस इंफॉर्मेशन को फर्दर डेवलप करने के लिए। अगर किसी इंटेलिजेंस इनपुट पे कोई एक्शन लेना है तो वो कंसर्न्ड स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेज और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज लेंगी। IB कैन एक्ट एज ए लिंक बिटवीन NCTC एंड कंसर्न सिक्योरिटी स्टेट और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज जी। पिछली सरकार ने भी NCTC बनाने का को लाने का प्रयास किया था जी, लेकिन उसमें दो बड़ी कमियां थी जिससे कि स्टेट्स ने उसका विरोध किया। पहली चीज़ तो उन्होंने इसको IB के अंदर में रहने की बात कही थी, दूसरी चीज़ इसको पुलिस पावर्स देने की बात कही थी जिसके कारण इसका विरोध हुआ था। तो इसके बारे में एक्सपर्ट्स लोग और डिस्कस कर सकते हैं और एक ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडी ला सकते हैं, क्योंकि टेररिज्म समस्या तो यहाँ रहे लॉन्ग टर्म रहेगी, इसके लिए NCTC का होना आवश्यक है। और आप कह रहे हैं समय की मांग है NCTC? NCTC समय की मांग है बिल्कुल। सो दैट टास्किंग, जैसे मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन RAW गैदर करता है बाहर से, उसका फॉलो अप एक्शन देश के अंदर होना है तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ जाएगी, IB उसका को वो टास्क करेगी, IB उसका फॉलोअप एक्शन लेगी और फिर सब लोग बैठ के इस एजेंसी में सारी NCTC में सारी एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ बैठ के
हर इंफॉर्मेशन को डिस्कस करें, उस पर फॉलो अप एक्शन लें, सो इसकी आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं दूसरे सियासी सवालों पर आऊँ, एक सवाल जो जनता भी जानना चाहती है, लोग भी जानना चाहती है, कई बार जो है सवाल उठते हैं RAW की वर्किंग पे कि क्या भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है उसके पास, अगर सीमा पार से बात की जाए आतंकियों के बारे में, एक सवाल बड़ा छोटा सा सवाल हो सकता है आपके लिए कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में भी हमारी एजेंसी के पास कोई पुख्ता सबूत पाकिस्तान में रहने का नहीं है, एक फोटोग्राफ तक की बात की जाए तो वो भारतीय एजेंसी के पास नहीं है क्या? क्योंकि आप रहे हैं, क्यों आप प्रमुख रहे हैं, आपको तमाम जानकारी है, क्या इस तरह की पुख्ता जानकारियाँ दाऊद इब्राहिम के बारे में सबूत भारतीय एजेंसी RAW के पास है? देखिए, मैं अब किसी एजेंसी के काम में जो मैंने उस समय कार्य किया उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो भी हम लोगों की कार्रवाई होती है गोपनीय होती है, उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारी एजेंसीज़ अपना कार्य भली प्रकार से कर रही हैं, और ये कहना कि हमें किसी के बारे में खबर नहीं है ये गलत है। सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती है जो कि सरकार के पास आती है, तो ये कहना कि कोई उसके बारे में खबर नहीं, और ये सर्वविदित है कि वो पाकिस्तान में बैठ के अपनी कार्यवाही कर रहा है, इसके बारे सबूत है, एविडेंस है। देखिए, एविडेंस एक इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन में और एक एविडेंस में जो कि कोर्ट में रह सके, दोनों में बड़ा फर्क होता है। इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस कलेक्ट इनपुट्स हैं, जानकारी है और कन्फर्म्ड इनपुट्स हैं जी कि वहाँ पर हैं, तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। RAW प्रमुख रहने के बाद, उससे रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, ये फैसला किसे लिया आपने? ये सवाल आपने किया है, मैं आपको बताऊं कि कभी भी राजनीति में आने का मेरा कोई भी विचार नहीं था। मैं करीब बहुत यंग एज में मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली थी, 20 साल का उस समय होता था, करीब 7 वर्ष अपने स्टेट में काम करने के बाद 34 वर्ष तक जी मैं RAW में रहा। बाय नेचर कोवर्ट काम करने की आदत पड़ गई थी, इसलिए सामने आकर कोई राजनीति में आने का मेरा कोई भी किसी तरह का इरादा नहीं था जी। यही 2014 में मेरे रिटायरमेंट के सवा साल बाद, एक साल से अधिक समय के बाद मुझसे कहा गया पार्टी ज्वाइन करने के लिए। मेरा पहला रिएक्शन तो यही था कि नहीं, ये इज़ नॉट माई बॉल गेम। बट बाद में मैंने विचार किया कि राष्ट्रीय हित में देश को उस समय जो माहौल था जी, एक सुदृढ़ और डिसाइसिव सरकार की आवश्यकता है जी, और ऐसी सरकार मोदी जी द्वारा जो लेड NDA ही प्रदान कर सकती है, उस समय जो जैसा वातावरण था, एक फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट मेरे विचार से वुड हैव बीन डिजास्टर्स फॉर दी कंट्री। इस लिहाज से मैं सडनली उनको वोट तो देता ही, लेकिन अगर मुझे लगा मेरे सामने आ जाने से जी उनके सपोर्ट में पार्टी को कुछ फ़ायदा होता है तो व्हाई नॉट, सो दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड। लेकिन सक्रिय राजनीति, फील्ड राजनीति में उस समय भी मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं था ना मैंने, और जो मोदी जी का विचारधारा है उससे मैं पूर्णतः उसको सपोर्ट करता हूँ। हमेशा आपने देखा होगा कि वो सबका साथ सबका विकास को लेकर ही चल रहे हैं, और मैं भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ, बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान न देकर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल, विकास जितने 125-126 करोड़ भारतीय हैं जी, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट देयर रिलीजन, उन सबके विकास के लिए हमें काम करना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार जो है सही दिशा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सही काम हो रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक हर आप स्टेटमेंट देखिए, वो केवल डेवलपमेंट एजेंडा, इंक्लूसिव एजेंडा, इसी बारे में बात करके इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जी। लेकिन क्योंकि देश में एक और चीज़ पे मैं आपका विशेष ध्यान लाना चाहूँगा, जो कि प्रधानमंत्री जी ने सवाल उठाया है जी। उन्होंने जो कहा है कि देश में 5 वर्ष में एक बार चुनाव होना चाहिए और असेंबली और पार्लियामेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और इस पे गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए। अब आप यही देख, कुछ ऐसा हो गया है कि देश जो है परपिचुअली इलेक्शन मोड में रहता है जी। हर 3-4 महीने में, 5-6 महीने में किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, और हर इलेक्शन थैंक्स टू द मीडिया
अब एक नेशनल इलेक्शन के में बदल चुका है एक तरह से। जी जी। तो और आप जानते हैं इलेक्शन कैंपेन में कुछ गर्मा गर्मी होती है, कुछ जो हमारी सोसाइटी में वैसी काफ़ी फॉल्ट लाइन्स हैं वो ज़्यादा डीपन होती हैं जी, और जब तक वो भर पाती हैं जब तक दूसरा इलेक्शन आ जाता है जी। अब आप इस सर्जिकल स्ट्राइक को ही ले लीजिए, अगर ये चुनावी माहौल नहीं होता तो जिस तरह की डिबेट आजकल हो रही है कतई नहीं होती। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय पे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में है, 5 साल में एक बार इलेक्शन के बारे में है, इसमें गंभीरता से विचार कर हम लोग राष्ट्र के इंटरेस्ट में उस ओर बढ़ें। तो आप कह रहे हैं कि संसद और विधानसभा के चुनाव जो हैं एक साथ हो, 5 साल में एक बार इलेक्शन हो, कहीं बीच में इलेक्शन करना या कब, जो डिटेल्स की बातें हैं उस पर डिस्कस करके कोई ना कोई समाधान हर चीज़ का निकाला जा सकता है जी जी। पर इस विषय में अच्छी चर्चा तो होनी चाहिए जी, क्योंकि अगर परपिचुअली हर 6 महीने में इलेक्शन होते रहेंगे तो वो राष्ट्र के हित में नहीं है जी। एक ऐसा बड़ा कदम विदेश नीति के हिसाब से अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, आपको लगता है कि सफलता मिली हो प्रधानमंत्री? अब ये तो बड़ा साफ जाहिर है कि इस समय देश के बाहर हमारी क्या छवि है जी, इसके बारे में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये सर्वविदित है। जो रिस्पेक्ट, जो छवि, जो इम्पोर्टेंस भारत ने पिछले 2.5 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में जो गेन की जो पाई है जी, वो शायद पहले बहुत वर्षों से ना रही हो। तो इस दशा में तो हमने बहुत बहुत आगे बढ़े हैं हम। अब ज़्यादा ध्यान हमें अपने अंदरूनी उसमें अब विकास की ओर देना है, और बाहर छवि होने से ये भी अच्छा फ़ायदा सबसे हुआ है कि अब बाहर से हम फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट कर पाएंगे जी, लोग इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब तक अंदर का माहौल हम अच्छा नहीं करेंगे तो इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा के लिए अब हमें अंदर का माहौल भी अच्छा करना पड़ेगा जी। सर, सियासत से हटके मेरे आखिरी 2 सवाल, आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके शौक क्या हैं? शौक, मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी को मैंने, जब स्कूल बॉय था तो टेबल टेनिस स्टेट लेवल तक खेला था, यूनिवर्सिटी लेवल पे टेनिस खेला, इंटरवर्सिटी खेला, तो स्पोर्ट्स का शौक रहा है। और अभी अब जो है मैं टेनिस खेलता हूँ, जिम चला जाता हूँ, फिट रहने का ही राज है, और कई थिंक टैंक्स हैं वहाँ जाके अटेंड करता हूँ डिफरेंट चीज़ों में। अब मैंने थोड़ा बहुत, पहले तो हेसिटेट करता था, अब थोड़ा बहुत लिखना भी शुरू कर दिया है चीज़ों पे जी। तो इसी तरह, और कभी पार्टी की भी जो बुलाते हैं, कोई मीटिंग्स होती हैं, जाके अपने विचार उसमें भी व्यक्त करता हूँ जी। मूवीज़ देखने का शौक है? हाँ, शौक बहुत रहा है, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे अब उतना नहीं रह गया जितना पहले रहा था जी। सर, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। तो ये थे RAW के पूर्व प्रमुख संजीव त्रिपाठी। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।